नमस्ते यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे, ऐसा करते सभी को ऊपर वाले अच्छे रखें, दुआ करिए हमारे भी अच्छे रहें। ये वीडियो छोड़ के मत जाना, आज तक देना दोस्तों। आज हम निकल रहे हैं 10 बजे, डॉक्टर भर्ती करेगा कि नहीं करेगा वो हमको अभी नहीं पता है, एक बार मम्मी से पूछ के बता रहे हैं। बता रहे कर लेगा, बच्चे छोड़े छोड़े नहीं जा रहे हैं दोस्तों हमारे, बच्चों को कौन देखे कौन नहीं देखे ना, इतना दिमाग टेंशन में है कि आप लोगों से क्या बताएं। फैमिली हम बहुत परेशान हैं। हाँ देखो, कोई कह रहा करमूल नहीं हो तो बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे गांठें दो ठैया नहीं दर्द कर रही हैं, ये यहाँ पे गले में गांठ रखो तो रात ही भरे में पढ़ाई, तभी तो बता रहे हैं कि पहले हमारे घर में ऐसे नहीं होता था फैमिली, ऐसे अब होने लगा। आप कहते हो बबली वही बार बार बात करती हो, पहले नहीं होता था कोई आया है। पहले नहीं होता था दोस्तों, जैसे अब मतलब हो रहा है, पहले नहीं होता था। और देखो नहा लिया ना तो सर में जैसे दर्द होने लगा, स्नान कर लिया, भर में डॉक्टर के यहाँ जाना तो जल्दी जाएगा, तो ज़्यादा बतियाना पड़ गया दोस्तों। आप लोगों से कहते थे दम नहीं हमरे स्टैंड टू डरिस। और देखो आज तो भर्ती हुए हम अस्पताल का, थोड़ा थोड़ा आप लोगों का अस्पताल से आपसे बात कहाँ बाबू, ना साइकिल ना निकालो स्कूल जाओ, हाँ कह रहे हैं मम्मी के बिना मम्मी को बुखार चढ़ा ना, कहाँ हम कावर बात कर दे रहे हैं, हम कहाँ फुसला रहे हैं, अभी देखो कैसे चिपका है, कह रहा मम्मी के बुखार, हम स्कूल ना जाइए, नहीं तो नहीं पढ़ाई करो जब बबू जाओ। ये कहाँ गिरे हो, देखो गांठी पड़ी गया तुमरे, 2 दिन नागा हो गया। हाँ 2 दिन चलो जन्माष्टमी में छुट्टी रही, चलो स्कूल नहीं जा रहा, कह रहा मेरी मम्मी का बुखार चल रहा है, एक शक है कि मम्मी आज हमारी भर्ती हुई है नहीं स्कूल जा रहा। और बच्चन का पढ़ाना भी जरूरी है ना दोस्तों, आज के ज़माने में अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनका कहीं इज्जत नहीं है। आज देखो हमको हमारी मम्मी पापा ने नहीं पढ़ाया तो कैसे धोखा खा रहे, ठीक है ये तो हमारी सास है। हाँ आज पढ़ी लिखी होते ना तो जितने हमारे फॉलोअर्स हैं नेट में, मने 10-20, 2-3-4 हज़ार मने पर डे कमा रहे, हमने अभी 1 रुपये की कमाई नहीं किया। और हमारा जो काम हो रहा, हमारे पति बता रहे कि 950 रुपये कर्जा लिया एक लोग से, अब एक साल में भर पाए, कब भर पाए कोई जानता है, कैसे घर चला रहे हैं कैसे कर रहे हैं। 1 महीने से हमें घर में पता नहीं कौन से गाजस पड़ गया, 1 महीने का 6 महीने तो पता नहीं क्या होगा, हमें क्या आदमियों के हो गया वो उससे हमारे हो गया, पता नहीं कोई लगे नज़र ला के कहो के यूट्यूब में कैसे पैसा दिला गए, का मेहनत करते करे पड़ते है यूट्यूब में, ठीक है ऐसे नहीं करते थे पैसा है वो बउआ हमारा शंकर गया। तब दोस्तों आप लोगों से कहे थे कि बच्चा छोड़े छोड़े नहीं जा रहे हैं, पर मजबूरी अगर हम भर्ती ना हुई तो मर जाइए। और हमारे मरे के बाद तो मम्मा लो हम तो थोड़े दिन के लिए भर्ती हुए ठीक रही, ठीक होकर चले गए आए, और मर जाइए तो अब तुम का तुम लोग का करी हो, तो डर रहा बच्चा, कह रहा नहीं मम्मी के बुखार जब तक ना खत्म है, और जब वहाँ बुखार उतर तो तब तक ही आप बाहर हैं चला गया, और जब तो मैं बुखार उतरी तो तब तक तो इनका स्कूल का टाइम ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों आज जा रहे हैं, जैसा देखो कैसे रिजल्ट मिला, कैसे का हो, कैसे कंप्रोमाइज हो, कैसे डॉक्टर से बात हो, कितनी जाँच होती सब बतावत रहे आप लोगों से। दोस्तों हमारे वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। हमारे देखो गाँव वाले नहीं करते सब्सक्राइब, हम सबको जानते हैं, जलते हैं जलन के लिए नहीं करते दोस्तों, आप लोगों के सहारे हैं बस। और कमेंट में बताना कि अगर हम भर्ती होने जा रहे हैं कि कौन सी माँ ऐसी होगी जो बच्चे चार चार छोड़ के भर्ती हो जाए और दुखने लगता है, कमेंट में बताना, दुखने लगता है हमको तो दुख लगता है दोस्तों, क्या करें रो, अभी सुबह तो रो ही तो रहे, नहा के फिर रो रहे हैं अपने मुँह में क्रीम तक नहीं लगाए, कुछ भी नहीं लगाया, नहीं नहाते ही समय क्रीम फैला भी लगा लेते थे, आज नहीं लगा, मतलब बच्चे के लिए बच्चन के लिए कि छोड़ छोड़ नहीं जा रहे। दोनों बेटियाँ हैं छोटे छोटे, उन्हें पापा के पास लेटती हैं, ये वाला बउआ ना हमारे पास लेटे थे, अभी 5 दिन कैसे तक दिल लेटती दूसरे के पास, यह डर लग रहा। हाँ गरमा दो तो दोस्तों, अब 12 बजे का हमको कुछ खाएगा नहीं, डॉक्टर ने बताया जाँच होंगी ना, सारी खून निकाला जाएगा, पेट का वो सब मतलब जाँचें होंगी, तो इसलिए खाना नहीं बोला, नहीं तो खा रहे थे कुछ चक्कर जैसे आ रहा है दोस्तों।
दोस्तों हमारा बबली बिघापुर के नाम से खोल दे, आप लोग देखते रहना, कोई स्ट्राइक ना मरवा दे, हमको तो बहुत डर लग रहा है। हम एक बार देख लो, अभी सुना है राधा राज दीदी और गोरखपुर के भजन में ऐसा झगड़ा हो गया था ना, तो तब से डर लगने लगा कि हम लोग गरीब इतने गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और छोटी छोटी बातें आप लोगों से अपने फैमिली से शेयर करते रहते, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं आप लोगों से नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे। तो दोस्तों आज जा रहे हैं तो ठीक है, 9 मतलब 8 हो गया, अब तारे वारी करें, कपड़े वपड़े भरें और दोस्तों फिर मिलेंगे। अगर कमेंट में बताना दोस्तों कि कौन सी माँ ऐसी होगी जो बच्चे को छोड़ने में नहीं तरस आता है, हमको तो तरस आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे। जैसे एक बात और है तुम लोगों से कह रहे हैं, कह ही दें कमेंट, भैया आपने सही कहा दीदी, तुम भी सही कहती हो, पर हाय फिलहाल दुनिया में हाय कोई किसी पे जुड़ाता नहीं है, जलता है जलता है, ये सब जलन के लिए हुआ। देखो रात भर में यहाँ 2 गांठे कैसे पड़ गई बताओ, कैसे पड़ गई हैं, बिटिया ख़त्म हो गई, हमापति हार्ट के पेशेंट हो गए, बीपी के पेशेंट हो गए, उस दिन 3 बार बेहोश हो गए, खोपड़ी फट गई, आए बच्चे दोनों सब मतलब 2 बार बीमार हो चुके, इतना झटके में 28,000 रुपये उनके ऊपर लग चुका है, कहाँ तक संघर्ष करी हम या बीबी, कहाँ तक हार्ट के पेशेंट का आदमी को ज़्यादा टॉर्चर करी हो ना, तो अब आदमी ऑटोमेटिक मर जाए, भैया पति के इतना परेशान करना नहीं चाहिए अपने, पति है जीवन में तो सब कुछ है, लड़की औरतें हैं के लिए, लड़कियों की दूसरी ज़िंदगी होती है, पति उसका सही मिला तो हमारे पति नहीं, पति हमारे देवता हैं। तो ठीक है दोस्तों ये बात ज़रूर बताना कि क्या हुआ हमारे घर में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहे, ऊपर वाले सभी के बाल बच्चे अच्छे रखें, छोटा सा ब्लॉग प्यारा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, बेल आइकन घंटी दबा देना, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो ताकि मेरा वीडियो तब आप तक पहुँचे, स्वस्थ रहो तब तक।